हेलो जी, आज बनाएंगे स्पेशल वाले भजिए। तो आज हम जो पकोड़े बनाएंगे वो बनाएंगे हरी मिर्च के। थोड़ी मोटी होती है ये, पकोड़े वाली ही स्पेशली मिर्च होती है। तो आप इसे चाय चाय के साथ खाइए, हल्की फुल्की भूख के लिए खाइए, या सुबह नाश्ते में खाइए, जब आपका मन करे आप तब खाइए। जिसके लिए हमने ले लिए हैं बेसन, चावल का आटा, और इसका हमने एक घोल बना लिया और साइड में रख दिया है। और मिर्ची के पकौड़े लेकर इस तरीके से हमने काट लिए और उसके जो है हमने बीज निकाल लिए हैं। अब हम बनाएंगे मसाला, जिसके लिए कढ़ाई में गरम तेल करके जीरा, हरी मिर्च और लहसुन भून लीजिए हल्का सा, और उसके बाद मसाले ऐड कर दीजिए, जिसमें है धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इन सबको डालने के बाद हल्का सा मसालों को भून लीजिए, इससे मसाले का स्वाद जो है बढ़ जाएगा। और उसके बाद मैश किए हुए आलू, उबले हुए आलू, और इन सबको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद ऊपर से आप इसमें डाल दीजिए चाट मसाला, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। और इसमें हम डाल देंगे हरा कटा हुआ बारीक धनिया, और इन सबको मिक्स कर लेंगे। और अब हमने जो घोल बनाया था उसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, मसाला, नमक, और डालेंगे हम इसमें सोडा, जिससे कि हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और फूले फूले बनेंगे। मिर्ची में हम इस तरीके से अपने मसालों को भर लेंगे, और इसमें अभी मैंने ऐड कर दिया है सोडा, और उसके बाद सोडे को मिक्स कर देंगे। और जो हमने मिर्चियाँ सब काट के रखी हैं उनकी हम लेयरिंग कर लेंगे, उसे मसाले ये डिप कर लेंगे इसमें बेसन में, और तेल में डाल के हम इसको तल देंगे अच्छे से। ये देखिए हमने डाल दिए एक एक करके कढ़ाई में अपने पकौड़ों को, और इनको हम एक एक करके पलट लेंगे। ये देखिए कलर आ गया है बहुत प्यारा गोल्डन कलर। इस तरीके से हम अपने पकौड़ों को सेक लेंगे। कितने प्यारे और अच्छे सुनहरे गोल्डन भजिए हमारे हो गए हैं तैयार। देखिए कितना प्यारा कलर आया इनका। अब इनको गरम गरम निकालिए, गरम गरम सर्व कीजिए लाल चटनी के साथ या हरी चटनी।